तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर मंथ में, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड है जो कई बार रिपीट हो चुके हैं और नए सिलेबस पर आधारित हैं। और इस वीडियो में वो टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। तो चलिए, आज के इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज में, वो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर की जगह काम करता है क्या कहलाता है। तो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से जो करेक्ट होगा उसे आपको सिलेक्ट करने टिक करना होगा। तो नंबर एक है प्रिंटर, बी नंबर है फायरवॉल, सी नंबर फायरफॉक्स, डी नंबर फर्मवेयर। इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है। यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा हमें, आप गेस करिएगा, अदरवाइज मैं तो बताऊँगा ही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी नंबर फर्मवेयर, ठीक है। मैं राइट आंसर बता दूंगा आप लोगों को फिलहाल, लेकिन आप बताना चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में इंटरनेट पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर तुरंत जीवन संवाद स्थापित करना क्या कहलाएगा। तो नंबर एक है इंस्टेंट मैसेजिंग, बी नंबर ब्राउजर, सी नंबर है टेलनेट, डी नंबर है नन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, ए नंबर, इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऑप्टिकल डिस्क का दूसरा नाम क्या होता है। ए नंबर है कम्पैक्ट डिस्क, बी नंबर डिजिटल डिस्क, सी नंबर है लेजर डिस्क, डी नंबर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आई होप आप लोगों ने, जिन लोगों ने पढ़ा होगा कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत कोचिंग के थ्रू, तो उनको मालूम होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्पैक्ट डिस्क, एक नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, IRC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो नंबर एक है इंटरनेट रियल करेक्टर, बी नंबर है इंटरनेट रैली चैट, सी नंबर है इंटरनेट रिटर्न चैट, डी नंबर नन। तो IRC का आई होप आप सभी को मालूम ही होगा, नहीं मालूम तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट रैली चैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो नंबर एक है .xls, बी नंबर है .txt, सी नंबर है .rtf, डी नंबर है .doc। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है क्या, हो जाएगा .doc। अगर आप नए वर्जन की बात करें 2007 MS ऑफिस 2007 2010 की, तो MS वर्ड का फाइल का एक्सटेंशन X लग गया है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं 2003 की, तो 2003 का MS ऑफिस था उसके जो फाइल थे MS वर्ड MS Excel उसमें X नहीं लगा था, लेकिन जब से 2007 2010 आ गए तब से लास्ट में DOC X लग जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइल के नाम में कौन सा चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। नंबर एक है डॉलर, नंबर भी है आपका सी नंबर है @, डी नंबर है #। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या नंबर, बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, कोटक ब्रेटक, ठीक है। ये आप जब आप स्टार्ट करते हैं ब्रेकर, स्टार्ट ब्रेकर क्लोज, ठीक है, ये आपने देखा होगा HTML पढ़ा होगा। तो अगर आप कोई फोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो इस नाम से नहीं फोल्डर बना सकते, आप फोल्डर बनाइएगा और ये जो ये सिंबल है इसको आप यूज करिएगा, उसके बाद फोल्डर बनाइएगा, नहीं बनेगा। लेकिन ये सब यूज करोगे ये सिंबल तो बन जाएगा, बट इससे नहीं बनेगा, ट्राई करिएगा अगर आपके पास सिस्टम है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएँ उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है, उसका क्या नाम है। तो नंबर एक है फायरवॉल, बी नंबर कुकीज, सी नंबर सर्वर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यदि आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन का मतलब समझ लेना फिर उसका आंसर देना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कुकीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS-DOS कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ए नंबर 64, बी नंबर 132, सी नंबर 16, डी नंबर 32। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 32, ठीक है, 32 ध्यान दे रहा है, 32 हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, NTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो नंबर एक है नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी नंबर है न्यू टेक्नोलॉजी पीर, सी नंबर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, डी नंबर नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आप सिलेक्ट करें, आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं आपके पास कॉपी पेन है तो कर सकते हैं, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित CD का ब्यास कितना होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन मिल जाएगा 1400 mm, बी नंबर है 150 mm, सी नंबर 120 mm, डी नंबर 70 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 120 mm, कई बार पूछा जा चुका है तो इसे आप रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों,
मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ ट्रिपल सी से रिलेटेड, क्योंकि आपको इस चैनल पर ट्रिपल सी रिलेटेड वो सारी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट कब आएगा, और बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेश्चन, अगर आप क्वेरी अगर पूछना चाहते हैं तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, अगर आप इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश बहुत करूँगा। अभी तो मैं वीडियो क्लास मैंने स्टार्ट किए, मैं और क्वेश्चन डेली बाई डेली ऐड करते चला जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ चुके थे कि सर प्लीज़ वीडियो अपलोड करिए कोई ना कोई, तो मैंने थोड़ा टाइम मैंने निकाल के कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड करके आप लोगों को प्रोवाइड किए। तब तक आप ये मेंबर यानी कि आप ये सब क्वेश्चन पढ़िए, याद करिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन ऐड करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।